देखिए थाना लाइन पार में 10 मार्च को एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 4 लोग नामजद थे। इसकी जब विवेचना प्रारंभ की गई तो जो इसमें आरोपी गण थे उनकी संलिप्तता के बारे में हमारी टीमों को संदेह हुआ। इस घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें इसमें बनाई गई, जिसमें एक टीम तो लाइन पार की थी और एक सर्विलांस एसओजी की थी और तीसरी टीम बनाई गई थी उत्तर थाने की, जो एसआई महावीर थे। तीनों टीमों ने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, साथ ही साथ जो हमारा टेक्निकल सर्विलांस है उस पर भी उन्होंने काम किया। तो ये पता चला कि इसमें जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं संभवतः इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद हमारी टीम ने इसमें गहनता के साथ में विवेचना की तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पाया कि इसमें एक महेंद्र है जो इनका दूर का रिश्तेदार है, साथ ही साथ उसका एक दोस्त है राजा। इन लोगों ने एक पूर्व का मुकदमा था उसमें समझौते के बहाने उसको बुलवाया, फिर अपनी चरपहिया स्कॉर्पियो छोड़ करके उसकी बाइक से गए और जो इसमें आरोपी थे सोमराज उसके खेत के पास ले जा करके उसकी हत्या कर दिए और उसके बाद वहाँ पे शव छोड़ दिया और इनके संपर्क करके बताया कि सोमराज वगैरह नहीं इसकी हत्या की होगी और उनको नामजद करा दिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।